क्या आप जानते हैं अब आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है चलिए आपको बताते हैं ये कैसे पॉसिबल है कुछ महीने पहले आरबीआई ने बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई का नया वर्जन यूपीआई वन टू थ्री पे लॉन्च किया था अब सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन यूजर्स को भी बिना इंटरनेट के लेन करने में सक्षम बनाएगा रिजर्व बैंक का मानना है कि यह कदम वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है और यह बहुत ही अच्छा भी साबित होगा क्या है यह पूरा का पूरा फीचर आइए आपको बारीकी से समझाते हैं और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल यूपीआई से ज्यादा तेज और आसान होगा जो यूपीआई लाइट है वो एक वॉलेट जैसा होगा जैसे कि वो पेटीएम वगैरह के वॉलेट होते हैं वैसा ही होगा अब इसमें होगा क्या कि पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने होंगे इसके बाद आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है वो बात यह है कि यूपीआई लाइट like में पैसे ऐड करने के लिए आपको अपने फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और जिसको पेमेंट कर रहे होंगे उनका फोन भी यूपीआई से कनेक्ट होना चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए वैसे नहीं होगा तभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट कर तो देंगे लेकिन जिसके पास आप पेमेंट कर रहे हैं उस रिसीवर को पेमेंट को देखने के लिए फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा अब जब इतना अच्छा फीचर है तो हर एक इतने अच्छे फीचर के साथ कुछ ना कुछ लिमिट्स जरूर आती हैं क्योंकि अभी अभी इसे लॉन्च किया गया है तो इसमें कुछ लिमिट्स भी है यूपीआई लाइट की एक और सबसे खास बात यह है कि इसमें पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती ये सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है और आपके वॉलेट से जो फंड होते हैं उसको एक्सेस कर लेता है और उसे पेमेंट करता है यूपीआई लाइट की एक और खास बात यह है कि इससे लेन की एक लिमिट कोई तय नहीं की गई है बस वॉलेट में आप दो हजार रुपए एड कर सकते हैं और मैक्सिमम दो सौ रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं एक बार में लेकिन ये जो हमने अभी, अभी अभी आपको बताया कि कोई दिन भर की लिमिट नहीं तय की गई है कि आप 2000 ऐड कर दिए तो आप उस दिन में और कोई पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे या फिर 2000 से ज्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे आप जितनी बार चाहें उतनी बार दो दो हजार रुपए करके अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं अब सिर्फ कौन कौन से बैंक्स में इनको इस्तेमाल किया जाएगा अभी फिलहाल कुछ ही बैंक्स ने इसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है यूपीआई लाइट अभी तक भीम एप्लीकेशन पे आप इस्तेमाल कर, कर कर रहे होंगे और कर पाएंगे क्योंकि अभी तक किसी और एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी गई आठ यूपीआई लाइट फीचर स्मार्टफोन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आठ बैंक होंगे जो यूपीआई लाइट फीचर को सपोर्ट कर रहे होंगे सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरा बताया जा रहा है कि वो एच बैंक है चौथा है इंडियन बैंक पांचवा है कैनरा बैंक छठा है पंजाब नेशनल बैंक वहीं कोटक महिंद्रा बैंक भी इसी लिस्ट में शामिल है और आखिर में आता है उत्कर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक इस लिस्ट में शामिल है यानी आप इन बैंक में अगर खाताधारक हैं तो आप यूपीआई लाइट फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बैंक भी इस फीचर को अच्छे से अपनाने लगेंगे जितने भी बैंक अभी तक नहीं अपना रहे हैं वही इस बात की भी उम्मीद है कि यूपीआई लाइट फीचर की सुविधा भीम ऐप के अलावा अन्य यूपीआई ऐप पर भी दी जा सकती है जैसे पेटीएम फोन पे गूगल पे वगैरह जो होता है एनपीसीआई अभी यूपीआई लाइट को और बेहतर बनाने पे काम कर रहा है एनपीसीआई चाहता है कि यूपीआई लाइट पूरी तरीके से ऑनलाइन काम करना बंद कर दे और ऑफलाइन काम करने में सक्षम हो जाए जिसके लिए अभी आर किया जा रहा है और इस पे काम चल रहा है